नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं किस प्रकार से हम हिंदी या फिर कोई भी अदर इंडियन लैंग्वेज विंडोज 10 में टाइप कर सकते हैं। अगर आप वर्ड, पावर पॉइंट रेगुलरली यूज करते हैं और उनमें आपको पता चल जाए कि आपको हिंदी टाइपिंग अभी डिसेबल्ड हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप गूगल क्रोम यूज करके अभी सभी टाइपिंग आप वहाँ पे कर सकते हैं और उसके बाद सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको लगेगा गूगल क्रोम, जो कि यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया है। अभी आपको सिर्फ सर्च करना है गूगल कीबोर्ड फॉर पीसी। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है गूगल इनपुट टूल्स, ये भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एक आ गया है, मैंने ये क्लिक कर दिया, इस पर ये ब्राउजर ओपन हो गया है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप ट्राई इट आउट बोलते हैं तो आपको यहाँ पे भी ऑप्शन है जल्दी से जल्दी कॉपी पेस्ट करने का। अगर आप एक्सटेंशन वगैरह नहीं चाहते, एक टेम्पररी सॉल्यूशन चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी सभी लैंग्वेजेस अवेलेबल है। अगर आप क्रोम में उसको परमानेंटली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप ऑन क्रोम पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ऑन क्रोम के क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल इनपुट टूल्स, जो कि ऑल्सो अवेलेबल है आपके एंड्रॉयड फोन में, वही सेम टूल यहाँ पे आपको क्रोम एक्सटेंशन दे रहा है। तो आपको सिर्फ ऐड टू क्रोम बोलना है, यहाँ पे आपको परमिशन मांगी जाएंगी और उसको आपको ऐड एक्सटेंशन बोलना है। अब जैसे कि ऐड एक्सटेंशन बोलने के बाद यहाँ पे कुछ डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे दो चीजें पूछी जाएंगी। एक तो यहाँ पे बुक मार्क करना है उसको या नहीं, या फिर टर्न ऑन सिंक करना है या नहीं। अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको लॉगिन पूछेगा और आपके जो भी डेटा है या पर्सनल आपके वर्ड्स है कुछ, तो वो सेव रखेगा और गूगल के लिए भी काम में लाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हैं एक्सटेंशन दबा के, यहाँ पे आपको इसको पिन करना है। अभी पिन तो आपने कर दिया, उसके बाद आपको ये तीन जो डॉट है इस पे क्लिक करना है और ऑप्शंस में जाना है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस आ चुकी है। अभी मैं हिंदी एक ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो हिंदी में ले रहा हूँ फोनेटिक और इनस्क्रिप्ट, डबल क्लिक करना है आपने। ये दोनों मैंने ले लिया और तीसरा भी ले लिया है। अभी हिंदी के बारे में ही बात करेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है वो पता चल जाएगा आपको। एक तो है कीबोर्ड देवनागरी फोनेटिक, दूसरा है कीबोर्ड देवनागरी इंस्क्रिप्ट, तीसरा है राइटिंग वाला हिंदी और अलिखा हुआ हिंदी। इनमें क्या डिफरेंस है वो अभी देख लेंगे, ठीक है। अभी ये क्लोज किया तो भी चलेगा, एक मैंने चालू कर दिया है। अब एक साइट खोलेंगे हम, बेसिकली गूगल ट्रांसलेट ही ले लेंगे जिससे हमें टाइप करने में आसानी हो जाएगी। अभी आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और आपने देवनागरी फोनेटिक लिया है। अभी मैं अगर टाइप कर रहा हूँ तो मुझे सजेशन भी आने चाहिए और हिंदी में टाइप होना चाहिए। यहाँ पे सजेशन लिख के आ रहा है। ये देखिए आप यहाँ पे आ गया है सजेशन। ये जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदी डिटेक्ट हो गया है और मैं अगर कुछ टाइप कर रहा हूं तो नीचे मुझे सजेशन आ रहे हैं। अभी दूसरा वाला ट्राई करेंगे, पहला था देवनागरी फोनेटिक, अभी लेंगे देवनागरी इंस्क्रिप्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ अलग ही टाइप हो रहा है। तो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड टोटली अलग रहता है, उसका लेआउट टोटली अलग है और एक्चुअली वहाँ पे सजेशन भी आएगा पर वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का जिनका काम इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पे चलता है वही इससे टाइप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल फ्रेंडली नहीं हूँ इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड से, सो मैं नहीं ले रहा हूँ। अभी नया ऑप्शन देखेंगे दूसरा।
जैसे कि ऑप्शन मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे आपको एक टैब ओपन हुआ है और ये जो टैब है इस पे आप राइटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। ये भी एक कीबोर्ड है और उसके बाद ये सेलेक्ट करेंगे, और आप देख सकते हैं अभी अपना जो रेगुलर गूगल कीबोर्ड इंडिक कीबोर्ड है उसके सजेशंस इतने प्रॉपरली आ रहे हैं। ये देखिए कीबोर्ड यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप टैब दबाते हैं तो आपको, अगर आप डाउन एरो दबाते हैं तो आपको नीचे की लिंक भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। गया है, अगर आप टाइप करते रहते हैं तो अपने आप टाइप हो जाता है। तो जैसे कि आपने देखा, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लेना है अ और हिंदी। और अब देखेंगे कि ये सब बाकी निकाल देने हैं फॉन्ट, तो वापस आपको एक्सटेंशन ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है और ये एरो दबाना है। भी जो काम का कीबोर्ड है वही रखेंगे। अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में डील करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस है, समझ लीजिए आप। ये जो लोगो है सामने वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कीबोर्ड हो या फिर पेंसिल हो, पेंसिल मतलब हैंड राइटिंग, उसके बाद कीबोर्ड इज द लेआउट, और जो एक्चुअली लोगो है लैंग्वेज का दैट विल गिव यू इमीडिएट सजेशन। तो ये थी कुछ जानकारी गूगल इनपुट टूल्स के बारे में, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। ध्यान में रखिए, आपको गूगल में सर्च करना है गूगल इनपुट टूल्स फॉर विंडोज़ पीसी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।